जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। गाइस, 12 बज चुका है। जो भी बच्चे ऑनलाइन आ गए हो तो प्लीज मैसेज कर दीजिए, जिससे कि हम लोग अपना ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट कर सकें। तो आज के इस ऑनलाइन टेस्ट में हम लोग सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, से आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तुरंत ज्वाइन करें। पीडीएफ का एक भी पैसा आप लोगों को नहीं देना, बिल्कुल फ्री एंड कॉस्ट है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, क्योंकि मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक लाइक की उम्मीद करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आज का हमारा रहेगा, कोची रिफाइनरी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। कोची रिफाइनरी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्रक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस सागर का खारापन सबसे अधिक है? किस सागर का खारापन सबसे अधिक है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। मृत सागर में सबसे अधिक खारापन है, क्योंकि यहां जल में लवणता अधिक है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न पर्वतों में से कौन टाइसरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि भारत के निम्न जल प्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, दूध सागर प्रपात। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान, चार ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या आंसर होगा। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पर्याप्त समय में भर जाना चाहिए, क्योंकि संविधान में किसी निश्चित समय सीमा का आदेश नहीं है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, संसद को। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है? जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन है गाइस कि निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? पंचायती राज पद्धति, ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेशनल डिफेंस अकादमी ये कहां पर स्थित है? माउंट आबू, हैदराबाद, खड़गवासला, नई दिल्ली। नेशनल डिफेंस अकादमी कहां पर स्थित है? यह स्थित है खड़गवासला, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्वप्न वास्तविकता के लेखक कौन है? कालिदास, भास, भवभूति, राजशेखर। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, भास। ताम्र पत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था?
जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। गैस अगला क्वेश्चन है कि हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है ट्रांस हिमालय, शिवालिक, बृहत हिमालय, अरावली। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? शिवालिक ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गैस अगला क्वेश्चन है कि माउंट एटना है एक पर्वत, एक पर्वत शिखर, एक ज्वालामुखी, एक पठार। माउंट एटना है, तो माउंट एटना है एक ज्वालामुखी, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पनामा नहर किसको जोड़ता है? देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। पनामा नहर किसको जोड़ता है? पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जोड़ता है। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है कि भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसे ग्रामीण बैंकों के रूप में पुकारा जाता है, वर्गीकृत है। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो विकसित देशों का है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड उधार देता है, नाबार्ड उधार देता है कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि प्रथम एशियाई खेल ये कहां पर हुए थे? पेकिंग, टोक्यो, नई दिल्ली, कोलंबो। प्रथम एशियाई खेल कहां पर हुए थे? नई दिल्ली में हुए थे। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है कि पद्मश्री से सम्मानित किस भोजपुरी लोक गायक का हाल ही में निधन हो गया? हीरा लाल यादव। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अब यहां से आपके सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? 4, 5, 6, 7। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिसमें होता है बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल। डी वाला जो ऑप्शन है आपका 7, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मरीचिका एक उदाहरण है, मरीचिका एक उदाहरण है किसका? प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया था? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, प्रकाश प्रकीर्णन। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। क्वेश्चन है कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8.3 मिनट। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण उत्सर्जित कण है, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। गाइस अगला क्वेश्चन है कि उस ग्रह का नाम बताइए जिसकी खोज यूरेनस के कक्ष में होने वाले विचलन के निरीक्षण द्वारा की गई है? वरुण, प्लूटो, शनि, बृहस्पति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वरुण। बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उस प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह का नाम बताएं जिसे 1975 में प्रक्षेपित किया गया था? भास्कर, आर्यभट्ट, आईआरएस, फर्स्ट ए, इनसैट।
ऑप्शन जो बी है आपका आर्यभट्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कौन सा समीकरण गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान दर्शाता है? जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भैया मेरे कांच क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, कांच क्या होता है? एग्जाम आपका बहुत ही करीब है तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगा, पढ़ाई में लग जाइए। जो आपका वायरस था वो लगभग लगभग खत्म होने को है अब, ठीक है? आज कल की बात करें तो कल करीब 87,000 प्लस केस आए हैं वायरस के, तो ये मान के चलिए कि आपकी जो एग्जाम डेट है वो जल्दी घोषित की जाएगी, अगस्त से सितंबर के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करें, डिसलाइक मत किया करें आप लोग। कांच होता है अतिशीतित द्रव, ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जो भी बच्चे सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है गाइस कि निम्न में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट। अब देखिए आपकी क्लासें आना भी स्टार्ट हो चुकी हैं, जल्दी आपकी दूसरी भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जो रात के 8 बजे क्लास आपकी होती थी वो भी आपकी क्लास जल्दी स्टार्ट होने वाली है। अभी फिलहाल आपकी जो 12 बजे क्लास होती थी वो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती? आज का टारगेट है लाइक का 150 लाइक, यदि 150 लाइक आते हैं इस वीडियो पे तो मैं कोशिश करूंगा दूसरा वीडियो लाने का आप लोगों के लिए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही करीब है। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती? कैडमियम, ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? और जो बंदा गंदे या फिर अभद्र कमेंट करेगा उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, फिर वो जिंदगी में कभी कमेंट नहीं कर पाएगा। वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है, ये क्या है? थोरियम, रेडियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम। वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है, क्या है? रेडियम, ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एलिमेंट धात्विक का आधात्विक दोनों रूप में रासायनिक व्यवहार करता है? जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, बोरॉन। प्रथम रेडियो सक्रिय तत्व जिसकी खोज की गई, सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट। एक कृत्रिम तत्व जिसका उपयोग नाभिकीय ईंधन के रूप में होता है। जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइटियम और ड्यूटेरियम के सम्मिश्रण से उत्पन्न एक अक्रिय गैसीय तत्व कौन सी है? नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, न्यूट्रॉन। हीलियम, ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है कि एक परमाणु संयंत्र का निर्माण शिला योग्य नहीं है क्योंकि? परमाणु संयंत्र से निकलने वाले परमाणु कचरे का सुरक्षित निष्पादन लगभग असंभव है, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मूत्र का असामान्य घटक है यूरिया, क्रिएटिनिन, एल्यूमिनियम, सोडियम। मूत्र का असामान्य घटक है, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? गाइस अगला क्वेश्चन है कि एलोसोम होते हैं तो एलोसोम जो होते हैं ये लिंग गुणसूत्र होते हैं, ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिसमें पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय, कैटाबोलिक अवशिष्ट उत्सर्जित होते हैं? वक्र, ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है?
अगला क्वेश्चन देखिएगा, हेमी कॉर्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? वीडियो को लाइक करते हो चले सभी बच्चे। हेमी कॉर्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? कोशिका गुच्छ, ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 212, 206, 202, 200। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206, ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? 656, ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अकल दाढ़ से क्या तत्पर है ये बताना है आप लोगों को। अकल दाढ़ तीसरी दाढ़ होती है, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है कि जानू फलक का दूसरा नाम क्या है? जानू फलक का दूसरा नाम, जानवी पटेला, ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन, जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो तब लगने वाला समय होगा यदि दूरी अपरिवर्तित रहे? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। आधा, ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि विद्युत दर्शी का कार्य क्या है? विद्युत दर्शी का कार्य, विद्युत आवेश की उपस्थिति की पहचान करना, ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है कि कांसा मिश्र धातु है तांबे और, कांसा मिश्र धातु है तांबे और टिन की। जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तुरंत लाइक करें, आज का टारगेट लाइक का रहेगा 150 लाइक। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है, और आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तुरंत ज्वाइन करें आप लोग एटीपी के रूप में, ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा गाइस कि सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं सोडियम व पोटेशियम के, ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, से आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।